इसी तरह से अमेजिंग दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको इस जगह पे लेके आऊँगा, अगर जिंदा वापस किया तो आप ये ब्लॉग देखेंगे और आप देखेंगे कि हम किस तरह से यहाँ पहुँचे हैं और आपको मैंने ये जगह दिखाई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नॉर्दर्न नॉर्वे और नॉर्दर्न फिनलैंड के व्लॉग नंबर 2 के साथ मैं हूँ अदील। तो रात को जो है वो हमने कोशिश की नॉर्दर्न लाइट्स हंट करने की, और आपने सारा देखा किस तरह से हमने टोटल विल्डरनेस में कुकिंग की और एंजॉय किया। मैं आपको जरा बाहर दिखाऊँ कि क्या मंजर है और कितना चैलेंजिंग आज होने वाला है। और बर्फ का आप ये हाल देखें कि गाड़ी जो है वो बिल्कुल बर्फ में कवर हो चुकी है। इट्स स्टिल स्नोइंग, लेकिन बस लेट्स गेट रेडी एंड रोल। तो चलें जी बाहर निकलते हैं और गाड़ी में चीजें रखते हैं। फायरवुड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आग जलाने के काम आता है। ओहो, चाबी कहाँ रखती? ओके, जस्ट लुक एट दैट, कितनी बर्फ है ये देख सकते हैं आप। और वो अभी से बर्फ क्लीन करना शुरू हो गए। ये नॉर्वे जाने से पहले या नॉर्वे एंटर होने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ये यूरोपियन यूनियन का हाईएस्ट पॉइंट है और ये बॉर्डर। तो ये फिनलैंड है और ये नॉर्वे, और यहाँ पे जो है क्योंकि नॉर्वे जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, तो यूरोपियन यूनियन का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट वो ये है। बस ये ब्रिज आप देख रहे हैं, अब हम नॉर्वे में एंटर हो गए। इस रीजन को फिनमार्क कहते हैं। ये जो नॉर्वेजियन ईस्टर्न पेनिनसुला है इसको फिनमार्क कहा जाता है। होपफुली एवरीथिंग विल गो वेल, और ये कोई सेंसेशनलाइजिंग नहीं है,
कि जी मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, बट इट एक्चुअली हैपेंड इन फ्रंट ऑफ यू कि किस तरह से ये रोड स्लिपरी है, गाड़ी आपकी बिल्कुल स्किड कर रही है. तो प्लीज़ व्हेनेवर यू ड्राइविंग इन सच कंडीशंस बी वेरी केयरफुल. पार्टिजान म्यूजियम पहुंच गए, लेकिन यकीन करें कि जान खुश हो गई. इतनी डिफिकल्ट ड्राइविंग मैंने जिंदगी में कभी नहीं की थी. चलें देखते हैं म्यूजियम खुला है कि नहीं और आपको अंदर से दिखाते हैं. ये आप देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है. लेट्स सी इफ दिस म्यूजियम इज इवन ओपन. लेट्स गो एंड सी. The museum भी close है. यहाँ लिखा तो है open 9 to 6. फिर ये close क्यों है? Let's check online. Ridiculous. यहाँ लिखा हुआ है कि म्यूजियम ओपन होना चाहिए और इस वक्त जो है मैंने उनको फोन किया और उन्होंने मेरा फोन काट दिया. I don't know. वेदर खराब है शायद इस वजह से नहीं आ रहे. लेकिन बस मैं आपको यहीं से थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ कि कौन लोग हैं ये. तो आप जैसे ये देख सकते हैं all these photos. ये वो resistance fighters हैं कि जब वर्ल्ड वॉर टू में नाक्सी जर्मन आर्मी ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था इस पूरे रीजन में, और 1940 में जब यहाँ के किंग और गवर्नमेंट ने इस प्लेस को अबैंडन कर दिया था और छोड़ के चली गए थे, तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एक रेजिस्टेंस बना ली थी. और वो रेजिस्टेंस जो थी वो बिल्कुल यहाँ से नजदीक रशिया है. उस जमाने में सोवियत यूनियन होता था, तो वो वहां जाते थे, रिसोर्सेज लेते थे, ट्रेन होते थे और वापस आके फिर यहाँ पे जर्मन के खिलाफ लड़ते थे. और जो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो भी जो नाची जर्मन्स की जो फोर्टिफिकेशंस थी ये इन इस पहाड़ के ऊपर और इस पूरे पहाड़ के अंदर इन्होंने बंकर्स बनाए हुए थे. और आपके सामने ये कि ये वेदर कितना खतरनाक है. देयर इज नो वे आई एम गोइंग अप देयर विद द कार क्योंकि कुछ नजर नहीं आ रहा है और इट्स 100% सुसाइडल. तो आई एम नॉट गोइंग अप देयर. और यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जितने भी पहाड़ हैं ये पूरे अंदर से जो है ये बंकर्स हैं और इसके पहाड़ के ऊपर जो थी वो गन साइट्स थी. तो मैं कुछ फोटोज जो है वो लगा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये म्यूजियम और इसकी हिस्ट्री अंदर इसके क्या होता है, क्योंकि मुझे तो अंदर जाने का कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही. और ये इस बंकर्स की सारी तस्वीरें. हम ये वार्डो के करीब बिल्कुल आ गए और वो आप जहाज देख सकते हैं लैंड कर रहे हैं एयर स्ट्रिप पे बिल्कुल हमारे सामने. ये वार्डो का एयरपोर्ट है और अब हम जाएंगे अंडर द सी टनल जो मैंने आपको बताया था, नॉर्थ केप टनल्स का जो एक सिलसिला है उसके नॉर्दर्न मोस्ट टनल के अंदर. और ये बस हम टनल में एंटर होने लगे एनी सेकेंड, गोइंग अंडर द ऑप्टिक सी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ द वर्ल्ड. ये जो एरिया है आइलैंड का ये पार्ट, ये सारा का सारा वर्ल्ड वॉर टू में अलाइड बॉम्बिंग से तबाह हो गया था और ये सारा जो है वो दोबारा से बनाया था. जो दूसरी साइड है वो मोस्टली जो है वो इंटैक्ट है और वो नया नया टाउन है, वो तबाह भी नहीं हुआ था और उस वक्त आबाद भी नहीं था. और ये वार्डो का मेन चर्च है.
अब मैं आपको दिखाऊंगा ग्लोबस 2 रडार साइट सिस्टम। ये वो रडार साइट है जो नॉर्वे और रशिया के बॉर्डर पे अमेरिका ने फंड करके लगाई है, और ये आप मेरे सामने अभी हम मुड़ेंगे तो ये सी द टू लार्ज डोम्स वो ऊपर आपको नजर आएंगे गोल से गोल्फ बॉल की तरह। According to the Norwegian government, ये space rubble और space trash को locate करता है, और Russia ये claim करता है कि ये उसके ballistic missiles के लिए लगाया गया है as an early warning system। और अब हसबे वादा मैं आपको उस जगह लेके चलता हूँ जहाँ मैंने आपको बताया था कि 90 witches को जिंदा जलाया गया, और ये बहुत ही एक bizarre story है। उम्मीद करता हूँ कि अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगे और मैं आपको सारी जगह दिखा सकूंगा, और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये वो जगह है जहाँ पे 90 witches का ट्रायल किया गया था एंड दे वर बर्न अलाइव। ये नॉर्वेजियन में और इंग्लिश में इसकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं अंदर एक कुर्सी रखी हुई है और उसमें आग जल रही है, यानी सिंबॉलिकली इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से witches को यहाँ जलाया गया था। ये पूरा इन्होंने एक ग्लास का एक स्ट्रक्चर बनाया है। वाओ, this is amazing. Oh my goodness. ये देखें friends आप, ये एक symbolic chair रखी हुई है। यहाँ बिठा के पुराने वक्तों में जो चुड़ैलें थी उनको जलाया गया था, वो यहाँ पे depict कर रहे हैं। Wow. मैंने जिंदगी में ऐसी जगह कभी नहीं देखी। और ये mirrors जो हैं, इसके चारों तरफ लगाए हुए उन्होंने। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस जगह पे जहाँ पे इनकी सारी हिस्ट्री लिखी है। Let's hope कि ये ओपन हो। Guys, this is Arctic Sea, Barents Sea से कहते हैं। Let's see if it's open. Yes. Oh my goodness. This is so creepy. ये Oh my God, इतना खौफ आ रहा है क्योंकि वहां पे कहीं दूर से दस दस की आवाज आ रही है, I'm sure कि हवा की वजह से। लेकिन ये देख सकते हैं आप, ये हिस्ट्री लिखी हुई है इस तरह, 90 विचेस की हिस्ट्री लिखी हुई है कि कौन कौन थी, किस किस तरह आई है। नॉर्वेजियन में मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन ये इतना क्रीपी लग रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इनमें से एक विच ने ये कन्फेस किया था कि वो ओवर द आर्कटिक सी उड़ के आई थी, और उसकी एक पार्टनर वो बिल्ली के रूप में यहाँ पे पहुंची थी। तो अब मुझे नहीं पता कि ये इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, पर इट्स सो क्रीपी। ये लोकेशन आप देख सकते हैं कितनी क्रीपी है। दोस्तों, जिस सरप्राइज की मैंने आपसे बात की थी वो मेरे पीछे है, द ड्रेकर। वो देखें आप, ये बहुत ही पुरानी एक वाइकिंग बोट है जो कि वेल के ढांचे से बनाई गई थी। आप ये देख सकते हैं वेल का स्केलेटन और फिर वो आगे बोट। ये इतनी कोई जबरदस्त डिस्कवरी थी 2016 में जो है इसको डिस्कवर किया गया था। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। टेम्परेरली हम जो है वो अपने हॉस्टल के कमरे में आए हैं, और जो रोज गुजरा है वो आपने देखा है, कमाल का दिन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और जो जो लोकेशंस मैंने आपको दिखाई है, ग्लोबस 2 रडार सिस्टम, द ट्रैकर, वाइकिंग बोट, द विच मॉन्यूमेंट, और ये जो सिटी ऑफ वार्डो है, मैं तो बिल्कुल मेसमराइज्ड हूँ, बिल्कुल स्पीचलेस हूँ।
और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो इस व्लॉग को, खासकर इस एफर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि और लोग भी देखें कि दुनिया में जो है वो डर से आगे जीता है।